दोन आठवड्यावर रुचीच का लगेच निघाली काय माहिती काय झालं. सासूला काय म्हणतो की ओव्हर टाईम देत आहे बस. तू अभ्यास कर मी आहे. वापस आ गई. बुलाया गया. अबे तू भी आ गया. हाँ यार, ट्रेन पे चढ़ ही रहा था कि फोन आ गया छुट्टी कैंसिल. चुटेल हो गया यार. नहीं यार, कुछ तो हुआ होगा वरना शादी वाले दिन कोई फ्लाइट पकड़ के घर वापस आएगा क्या. शादी कैंसिल. अरे तूने कुछ सुना क्या? शादी कैंसिल हो गई. तुझे किसने बोला? जीतू कह रहा था. जीतू को बोल अपना काम संभाले. राजू टैक्सी ले
दरवाजा जरा बंद कर देना। थैंक यू। हेलो, अश्विन कहाँ है? फोन नहीं उठा रहा। सर घर पे नहीं है, फोन रख के गए हैं। मैं वेट करती हूँ। एक नींबू पानी ले आना, जरा एसी चला दो प्लीज। सबीना मैम आई थी? नहीं। कोई कॉल? पता नहीं। मम्मी जी आए। हाय मॉम। डिड यू स्पीक टू सबीना? मॉम, द वेडिंग इज ऑलरेडी ऑफ। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो थ्रू विद दिस? आई एम श्योर शी आल्सो विशेस शी कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज द पास्ट। No, Savan, we really can't afford any more delays like this. Please get the frame of the facade started. Oh, hi. Hi, Vin. I thought you weren't coming, so I came. It's okay. You got to be on their backs, otherwise they start taking you for granted. You okay, right? Yeah. ज्वाइन करते समय बोलने का ना वेज है, सब जॉब चाहिए खाना का। वैसे भी गांव से आई थी तो मम्मी जी के सामने मुंह किधर खुलता था, अब खुलता है कह रहे। मैं ब्रून पाव लेके आऊं, मटन के साथ अच्छा लगेगा। 6 बजे फ्रेश? नहीं, मुझे भूख नहीं। द सिंगल बिगेस्ट चैलेंज इन दैट इज द प्राइस ऑफ लैंड। द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रिमेंबर फ्रॉम द बिगिनिंग दे हैव बीन फाइंडिंग वेरी बोल। माहिती नाही, पण लोक बोलतात फॉरेनला तिचं लफडं होतं, तशी नाही आहे ती।
शहरातली माणसं तशीच असतात. तुला काय माहित? वाटेल ते बोलतेस. आठवते माझ्या बॅगेत बांगड्या होत्या. गाव मे विधवा और चुड़िया नहीं पहनती है. अपशगुन सब पता है. बुलशिट अपशगुन. ये शहर है, गांव नहीं है. यहाँ ना अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं अपने रूल से. तिने मला स्वतः बांगड्या भरल्या, गावात काढल्या होत्या, पण वाटलं हे माझं आयुष्य, मी कोणीही होऊ शकते. मला पण एखादं काम बघ ना ग. वेळी आहेस का? सर्वण व्हायचंय? मुंबईला यायचंय ग. डिप्लोमा तर होते, आपण इथे बिझनेस करू. टेलरिंगचं मी बघते, अकाउंट्स पैसे वगैरे तू बघ. माझ्या डिप्लोमा पेक्षा तू टेलरिंगचा कोर्स केला असतास. कोर्सची गरज नाही छोटी, लक्ष्मी ताईंनी एका टेलरशी सेटिंग केली. तू काहीच सांगू नकोस मला. अगं सरांची परमिशन नाही घेतली अजून ना. Girl, so she didn't deserve to be left like that at the altar. I know. Ash, it happens. It was just a fling. No, it's not. It's never just a fling. She wanted more and she was right. Everyone wanted me to marry her. But I was not in love with her, not enough. And she saw that. Rahul was sick. And we were all just falling apart. And she was there. She became part of the family. And I felt that I had to propose to her. It was the only decent thing to do. She wants someone that will call her, text her 5 times a day. I'm just not that guy. Ashwin, please, get real. That shit doesn't exist. Maybe not for you. But you're cynical, Nandu. She's not. I don't want to be the guy that makes her give up her dreams. Sir, dono ka khana laga do. Dikhta nahi hum dono baatein kar rahe hain. Sorry ma'am. Listen, I better get going. Vishal's waiting for lunch and my bloody maid hasn't come again today. Bye. रत्ना जी. सर खाना लगा दो प्लीज. जी. सर मटन अच्छा नहीं लगा? नहीं, ग्रेवी अच्छी थी, मटन थोड़ा टफ था. रत्ना उनकी बात का बुरा मत मानना, दिल की अच्छी है. वैसे भी अच्छा हुआ तुम आ गई. उनका लेक्चर तो बंद हुआ. सर एक चीज पूछना था. पास में एक टेलर मास्टर है, मैं उनको हेल्प करने जा सकती हूँ. क्या हुआ? पैसों की जरूरत है? नहीं, सीखना है. टाइमिंग्स क्या है? 2 से 4, सारा काम खत्म करके जाऊंगी. ठीक है. थैंक यू सर. भड़क गई तो चली तो गई. और मटन छुआ भी नहीं, पर ऐसा के साथ 4 रोटी खाए. मैडम अगर वापस नहीं आए तो काम छोड़ देगी क्या? अब तो तेरा टेलरिंग का भी है ना. नमस्ते मास्टर जी. क्या करूं मैं? ऊपर सामान ठीक कर ले. कहां? ऊपर.
7:30 नहीं 8:30 नहीं और दे 10 करोड़ ठीक है फ्राइडे को ले लेना ठीक है मास्टर जी आप दिखाएंगे तो मैं करूं अभी तो सफाई कर ले अगले हफ्ते देख सबीना मैडम ने भेजा है रोहिणी शादी के जब से वो डिप्रेस हो रही है वाने वाने तेरी मैडम को डिप्रेस नहीं होना है तो मेरे सर को डिप्रेस हो अच्छा शादी किसने तोड़ा ऐसे बात नहीं है तो तूने क्या सुना क्या रहा यहाँ से सबीना मैडम ने गिफ्ट भेजी थी तू छोड़ मैडम सर मैंने सोचा सर्वेंट रूम में रख दूं बुरा ना लगे थैंक यू शादी नहीं हुई कम से कम गिफ्ट्स तो मिले थैंक यू क्या हुआ कुछ नहीं चाय गरम कर दूं? नहीं रहने दो सर आपको पता होगा ना कि शादी के 4 महीने बाद मेरे हस्बैंड गुजर गए थे नहीं पता था वो बीमार थे किसी को बताया नहीं और हर मम्मी पापा को हमारी शादी तय करने की जल्दी होती है ना गांव में भी ऐसा ही होता है मुझे पढ़ना था लेकिन वो लड़के वाले दहेज के बिना शादी करने के लिए तैयार हो गए तो पापा ने कुछ पूछा ही नहीं 19 साल की उम्र में विधवा हो गई गांव में इसका मतलब पता है क्या होता है क्या
लाइफ खत्म हो गई, पर आज मैं खुद अपने पैसे कमा रही हूँ। सर्वेंट हूँ पर छोटी को पढ़ा रही हूँ। छोटी बहन है तुम्हारी? जी, लाइफ खत्म नहीं होती है सर, इतना ही कहना था। बोल रहा था ये मनीष मार्केट है ना, वहां से इसकी मैचिंग लेस और लाइनिंग दोनों जरा लेके आना। अभी? हाँ अभी, अर्जेंट है ये। पर मास्टर जी 4 बज गए, मुझे लेट हो जाएगा। काम सीखना है लेकिन करना नहीं है, लेके अर्जेंट है बाबा। लाइनिंग मिल सकता है? मिलेगा, थोड़ा जल्दी आ। ये लीजिए। बस ठीक है। कहाँ भटक रही थी सर, कब के आ गए? सॉरी सर, लेट हो गया। वो टेलर मास्टर ने 4 बजे मैचिंग सेंटर भेजा था। वो तुम्हें काम की कुछ पेमेंट भी दे रहा है या नहीं? कह रहा सिखा रहा है। कुछ सीखा है? सर चाय बनाओ? नहीं। हेलो जी मैडम, मैम मैं तो अभी बाहर से आई हूं, देखती हूं। हेलो मैडम, सर तो घर पे नहीं है, फोन यहाँ रख के गए हैं। जी मैम जी, थैंक यू। यू कंडक्टिंग रैंडम चेक्स इन सीमेंट क्वालिटी एज वी डिस्कस्ड? यस सर। आई डोंट बिलीव दिस, आई थॉट आईड आस्क यू टू मेक अ फ्रेम ऑफ द फसाड्स। The structural consultant needs to get back to us for the louvers. What louvers? Look, Ashton, I'm all for green buildings, but not if we end up in the red. Dad, I've got the budgets. I've got the timelines. You want me to handle the site? Let me handle it. रत्ना, ये जरा ब्लाउज खोल के ला, अल्टरेशन करना। सिलाई कौन करेगा? रेगुलर कस्टमर है, तेरे साथ रिस्क नहीं ले सकता। मास्टर जी, अरे तो फ्री में कोई नहीं सिखाने वाला।
रत्ना सबीना मैडम के कपड़े पैक कर देना। जी सर। रत्ना क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढूं? क्यों? तुम्हें भी शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं। अरे तो लोग क्या बोलेंगे? लोग तो बोलते थे कि विधवा होने का कसूर भी मेरा ही था। लोगों की सुनती तो गांव में हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती ना। चल। वो मेरी दादर में भाभी रहती है ना, वहाँ पे टेलरिंग का बहुत अच्छा कोर्स है। पता है 3 महीने के 5,500। हाँ, मेरे से ले लेना। मुझे उधार नहीं लेना चाहिए। अरे छोटी की परीक्षा के बाद दे देना, 3 महीने का तो सवाल है। तो 3 महीने बाद कर लूंगी कोर्स। ये रखना कुछ तो भरोसा कर। हाँ 3 महीने का सवाल है, टेलरिंग कोर्स कर लेना। रत्ना जी। सर मेरा डिनर बाहर है। सर अगर आप नहीं है तो मैं बाहर जाके आ सकती हूँ? हाँ सब ठीक है ना? टेलरिंग कोर्स के लिए सामान लेना था। गुड, तो टेलर मास्टर का फ्री का काम खत्म। टाइमिंग्स वही है, सारा काम खत्म करके जाऊंगी। इट्स फाइन। तो नहीं लगा ना? तो पैदा होने से पहले गाड़ी चला। हाय रत्न। नमस्ते सर। सारे मटेरियल्स ले आए हुए। लक्ष्मी ताई मुझे स्कूटर पे ले गई। नाइस। मैं जाऊं?
खाना गरम कर दूं मैं? नो नो इट्स ओके। अमेरिका में मैं ज्यादातर प्लास्टिक के डब्बों में ही खाता था। सर आपको वही लाइफ ज्यादा सूट होता होगा ना? मेरा मतलब था कि अब वो सब सोचने का कोई फायदा नहीं। सब कुछ बहुत महंगा होता होगा ना? मेरी लाइफ तो बहुत सिंपल थी, राइटर था। पता है क्या लिखते थे आप? मैगजीन आर्टिकल्स, ऑनलाइन ब्लॉग्स, आधी नॉवल। आधी? राहुल जब डायग्नोज हुआ तो मैं वापस आ गया और रह गया वो सब। सर पर अगर लिखना है तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं ना? हाँ लेकिन इट्स नॉट दैट। You're probably right. हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों को मशीन चलाने की जल्दी है लेकिन सबसे पहले आपको कटिंग सीखनी होगी और जब कटिंग सीख गए तो कपड़े खुद ब खुद बन जाएंगे। तो आइए। ये कटिंग का पहला स्टेप है। पहले आप मेजरमेंट्स लोगे, मार्किंग करोगे, राइट? उसके बाद कटिंग करोगे। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना। कोर्स कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है। खुश लग रही हो तुम? तुम बहुत ब्रेव हो रत्ना। ओके सर। चुभी राजू। हाँ ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब क्यों बताना? ब्रेव का मतलब स्ट्रांग। क्यों कुछ नहीं चल।
was her idea to show off you. You know, she has the hugest crush on you. She's a nice girl. It's just that, you know. What? I need to be single. Come on. Like, for how long? I don't know. However long it takes. She said, I make too much money. Indian men are intimidated by me. I think all men are intimidated by you, not just Indian. What rubbish. What did you do? You can't. Sorry, ma'am. What sorry? Salary se katega tab samajh mein aayega na? Take it easy, guys. Look what she did. You know, I have morons like her working at my place. Once you cut a few thousand from their salaries, they are straight. Fortunately, she doesn't work for you. Where's the loop? It's in there. Dude, what the fuck? She was rude. So were you, man. I'll apologize. Bye, Amy. Sir? Sorry, sir. No, it's okay. I'm sorry. Good night. ये कितने का है? 100 रुपया जोड़ी. पैर कम कर दो. कर देगा ना. कितना चाहिए आपको? 12. मिल जाएगा. Sorry. Sorry. मैं आपके कमरे में सिर्फ काम करने जाती हूँ. इट्स ओके रत्ना. मेरे रूम में आईना छोटा है तो ट्रायल के लिए वो बनने. इट्स ओके. मैं भी अचानक से घर आ गया. आज पालकी है ना तो सब लोग ऑफिस से जल्दी निकल गए. दूसरे सर्वेंट लोग बैठ के बड़ा टीवी देखते हैं, एसी चलाते हैं, लेकिन मैं कभी आपके कमरे में ऐसे नहीं. रत्ना, इट्स ओके. मुझे पता है. इट्स ओके. तुम खा लो प्लीज. वो कुर्ता तुमने बनाया है? जी सर, छोटी के लिए. अच्छा बनाया है. उसे शहर के कपड़े चाहिए. सर, आप यहाँ सब कुछ सेटल करके वापस नहीं जा सकते? अमेरिका? नहीं.
Excuse me. Watchman, क्या कर रहे हो यार? फोन बंद करो, अपना काम संभालो. रत्ना, नींबू पानी बना दोगी प्लीज? सर आप बैठिए, मैं लाती हूँ. शहर में ये तुम्हारा पहला जॉब है मॉम के साथ? डर लगा होगा और टेलरिंग? तुम बचपन से टेलर बनना चाहती थी? फैशन डिजाइनर. डिजाइनर नहीं बन सकती, सिर्फ पूछ रहा हूं. तुम कुछ भी बन सकती हो रत्ना. शायद कुछ सालों बाद तुम मुझे पहचानोगी भी नहीं. मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फैशन की दुनिया में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है. मुझ जैसों के लिए नहीं. अपने बच्चे की तरह पाला रे मैंने उसे. ये अपना कोई नहीं होता. मैडम ने अंग्रेजी में गालियां दी मेरे को, लेकिन हुआ क्या? थप्पड़ मारा मैंने उसको. क्या? तो मेरे को लात मारा बेटा और बोला मेरा अपना बच्चा होता तो भी मैं यही करती. मैडम कुछ नहीं बोली, सबका गुस्सा मेरे पे उतारती. तुमने ठीक किया था, लेकिन एक बात बताऊं, पहले करना चाहिए था. ताई, काम से तो नहीं निकालेगी ना? मेरे सिवा कैसे संभालेगी उसको? तुम्हारे लिए सब डिजाइनर पढ़ते हैं. थैंक यू सर. सॉरी रत्ना, सबको सपने देखने का हक है. यू मेकिंग अ मिस्टेक. आई एम रियली नॉट. There is someone on earth who is red. It's me. That's what I just said. You're a perfect guy. How come you're such an idiot?
Thank you. ये क्या है? Happy birthday, sir. Oh, thank you. खोलेंगे नहीं? हाँ अच्छा नहीं लगा? थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन अच्छा है. रत्ना ठीक है, ज्यादा हीरो टाइप तो नहीं लग रहा. आपको बहुत सूट हो रहा है. आप पहन के जाएंगे? हाँ. सर, सर आप किसी को मत बताना. क्या? कि मैंने बनाया है. नमस्ते सर. सबीना मैडम ने फूल भेजे थे, आप तब तक निकल गए थे. तुम्हारी शर्ट मेरे डैड को बहुत पसंद आई. अच्छा. हाय विकी. नथिंग. व्हाई? एक ग्लास पानी मिलेगा? मैडम जी. जी हाँ.
सॉरी भी बोला या हाथ में बलून का पैकेट पकड़ा दिया? अरे कभी बाबा का बर्थडे है, बलून तो चाहिए ना। किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। रत्ना मेरा खाना मत बनाना। जी सर। हेलो काय झालं? काय नाही। आजारी आहे? नाही तो बोल। आई बाबांनी स्थळ बघितले माझ्यासाठी मुंबईला। मी बोलते त्यांच्याशी। मी हो म्हंटल, लग्नानंतर काम करू देऊ दे म्हणजे झालं। आणि अभ्यास गेला एवढा? मला मुंबईला यायचंय गं। मुंबई काय मुंबई, हे खाऊ आहे। मला यायचंय मुंबईला आणि मुलगा चांगला आहे म्हणतात। चांगला आहे ना तर त्याला म्हणाव की परीक्षेपर्यंत थांब। लग्नासाठी बाबांनी कर्ज घेतले गं, एक्झाम फी साठी पैसे नाही। नाही छोटी नाही, अजिबात नाही। नंतर करते। हॅलो हॅलो मॅडम, घर पे नहीं है? पता नहीं जी। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ओके। मुझे गांव जाना पड़ेगा, मेरी बहन की शादी है, छुट्टी चाहिए। ओके। कब? परसों। ओके। लेकिन उसकी पढ़ाई? उसे शादी करनी है, मुंबई आना है। लेकिन तुम पढ़ा रही थी ना उसे? चार साल से। शादी के बाद वो कोर्स कंप्लीट कर पाएगी? कोई नहीं करता सर। मैंने सोचा कि मेरी नहीं से छोटी की लाइफ बन जाएगी। रत्ना रत्ना तुम्हारी लाइफ भी बनेगी और उसकी भी। लड़का अच्छा भी हो सकता है। शहर के लड़के आजकल इंडिपेंडेंट गर्ल्स चाहते हैं जो जो खुद भी काम करें। क्या पता सर शहर के लड़के क्या चाहते हैं। दो महीने रुक जाते तो सर्टिफिकेट मिल जाता। मेरे सिवाय किसी को सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने जबरदस्ती की थी। बल्कि इससे अच्छा होता अगर मैं उसके शादी के लिए पैसे बचाती। ये तू सर से मांगना पैसे, मना नहीं करेगा? नहीं। पहले लिया था क्या? नहीं। कितने से निकलेगी? सुबह की गाड़ी से।
फिर अपना अच्छा सुन तेरे सर को नहीं मैडम मिल गई मुझे क्या पता शादी के लिए नहीं सर नहीं मेरी तरफ से छुट्टी को देना प्लीज थैंक यू सर शहरातल्या लोकांची स्टाईलच वेगळी आहे बघ आली मोठी शहराची एक्सपर्ट असू दे टी व्ही बघते मी तू तसं आता फोटो पण दाखवत नाहीस पण बोलण्यावर ना अश्विन सर डिट्टो रणबीर वाटतात बघ रणबीर नाही पण भला माणूस आहे हेलो सर कैसी हो ठीक हूँ लड़का अच्छा है हाँ उसने शादी के बाद एग्जाम के लिए हाँ कर दिया शहर के लड़के इतने बुरे नहीं है जी कुछ काम था नमस्ते सर नमस्ते मुझे लगा शायद गणपति के बाद आओगी तीन दिन कहा था ना सर चाय बनाओ नहीं मीटिंग है फोटो लिए हाँ देखेंगे खुश लग रही है तुम्हारे साथ नहीं लिए
विधवा और शादी के दिन दुल्हन से नहीं मिलती है, गांव में ऐसे ही होता है। लेकिन अभी तो मैं गांव में नहीं रहती हूं। नमस्ते सर, आपके लिए सुबह आया था। तुम्हारे लिए खोलोगी नहीं? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए खोलो ना। थैंक यू। डांस करना चाहिए था। नहीं ठीक है।
हेलो जी मैम, ओके मैम, मैं तैयार रहूंगी। सर मम्मी जी का फोन था, उनके घर में कल पार्टी है, मुझे मच्छी करी बनाने को बुलाया है। रत्ना, मेरे साथ बाहर चलोगी? मुझसे गलती हो गई सर। नहीं, इस घर से बाहर निकल। लोग मजाक उड़ाएंगे। कौन लोग? राजू, वॉचमैन, सब लोग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है सर। मुझे इस जगह के बारे में पता ही नहीं था। तुम हमेशा यहीं आती हो? हाँ, पूरा शहर दिखता है ना। मुझे लगता था कि अमीर लोगों की लाइफ आसान होती होगी, लेकिन आप भी तो मतलब यहां से निकलना चाहे भी तो निकल नहीं सकते। सोचो अगर इन सब लोगों की मन्नतें हमें सुनाई देती। तुम भगवान में विश्वास करती हो? करना पड़ता है। सर प्लीज मुझे सर मत बोलो। मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ? आप इस शाम को प्लीज बुला दीजिए। I'm sorry. I forgot. Sorry, Ricky. What's up with you, man? I don't know. Sorry.
Dinner's on you. Squash and early dinner, remember? Shit. I forgot we were meeting. Ratna is cooked. Okay, sir. Yeah. Thank okay. You. Thank you. Rain check? No, no. I'll come over. Show me a proper dinner, man. Hi Ratna. Namaste sir. Hi. हम आपकी वजह से घर आ गए. I'm gonna go get us some beers. सर, आपने उन्हें कुछ बोला तो नहीं? कुछ नहीं. प्लीज सर. मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे घर आके खाना खाना है, बस. प्लीज डोंट वरी. हे यार, जस्ट व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट? You can't date your maid, Ash. I'm not dating her. Sir, khana laga do. Thodi der mein. If that's nothing, then I'm the fucking Pope. I'm not dating her, and nothing's happened. Okay. But there's something I feel that I never felt with Sabina. It's a kind of trust. Sabi cheated on you, Ash. I get it. This chick is sweet, she's there for you. But. But what? But she's your maid. Put that aside for one moment, okay? She's the only one who really understands me. How do you put that aside for a moment? Maybe you think you found your perfect love or soulmate or whatever. But it's impossible. What are you going to do? Take her to family dinners? Business meetings? Maybe I will. Bullshit. Your mom won't even sit at the same table as her. Forget everything. She doesn't know how to use a fork and knife. I'm not being a jerk, Ash. I'm not. Just look at things from her perspective. People will never let her forget she's a maid. Your maid. She'll never live it down. If you really like her, if you really do, just let her be. Leave her alone. ये मेरी कमेंट है. 40 साल से मैंने ये अपनी रेपुटेशन बनाई. रत्ना, मैं तुम्हारा वेट करूं? नहीं, मैं इनके साथ साफ करके फिर आऊंगी सर. ओके, मंसूर तुम्हें ड्रॉप कर देगा. रत्ना, मैं भी तुम्हारा वेट करूं? सर, चाय बनाओ. सबको मच्छी कड़ी बहुत पसंद आई. तुम कब तक मुझे सर्व करोगी?
तो क्या कहूं? तुम्हें बुरा नहीं लगता सबको खाना देने के बाद ऐसे जमीन पे बैठ के खाना खाना? पहले से ऐसा ही है यहाँ। लेकिन तुम्हें कुछ लगता नहीं है, कुछ फील नहीं होता रखना? Fuck, tell me how you feel. आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं गवार हूं पर आपकी रखेल बन के यहाँ रहने नहीं वाली हूँ मैं। तुम मुझे क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए ये सब कर रहा हूँ? और क्या हो सकता है? आप जो भी फील करें, जो भी कहें, आखिर में मैं आपकी सर्वेंट ही हूं ना। मैं तुम्हें सर्वेंट नहीं मानता। आप अपने मम्मी पापा को क्या बोलेंगे? बोलना भी नहीं चाहिए, कोई नहीं मानेगा। I don't care. मेरी लाइफ। आपकी माँ ने एक बेटा खोया है, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। सब बिगड़ गया। ऐसा मत सोचो। आपको पता है सर मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ क्यों आने दिया? एक का खर्चा कम हो गया, ऊपर से 4,000 रुपए महीने के भेजती हूँ। कुछ ऐसा वैसा सुनाई दिया ना, देवर बाल से घसीट के मुझे वापस ले जाएगा और उधर फिर से बोझ बन के रहना पड़ेगा। आप किचन में क्यों आए सर? सब हंस रहे थे मुझ पे। I'm sorry, मुझे मजाक बन के रह जाऊंगी। I'm really sorry. काम मत जाना रखना। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मुझे कुछ तो करने दो। नहीं सर, कुछ मदद सही नहीं होगा। प्लीज रखना, आप चिंता मत करो, नए काम मिलने तक मैं छुट्टी के यहाँ रह रही। और सर आप इस मुझे कांटेक्ट मत करना।
निकल। क्या है? तुझे तो सगळ्यांना सांग सुटलाय तू चोरी केली म्हणून। काय सोड ना, एवढं काय? सगळ्यांना माहिती आहे तू किती हरामी आहे ते। कधी साडीची पिन पण चोरली नाही। पण झालं काय? काय नाही। I need to talk to you. I've decided to go back to New York. You've been sleeping with your maid? No. But I am in love with her. In that case, it's good that you're leaving. हेलो जी, जी क्या करते हो? ओके मैम, आप मुझे एड्रेस भेज देंगे SMS? चल आगे चल, चल। थैंक यू। अंकिता मैडम है एंड ये आज का ही डिलीवरी है। जल्दी हाँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम उस रात के लिए सॉरी। एक्चुअली मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो तुम्हें टेलरिंग का शौक है? जी। कोई ड्रेस लाई हो? हाँ। शायद तुमने अपनी बहन के लिए बनाई थी। मैम आपका ही पैटर्न है। उस रात को मेरा ध्यान आपके ड्रेस पे ही था। अच्छा, मला डिझायनर कडे नोकरी लागली, फॅशन डिझायनर। खरं? अचानक कसं? सरांनीच सांगितलं असेल।
पटना। अश्विन